जहाँ पे उन्हें तीन नीयर डेथ एक्सपीरियंसेस देखने पड़ते हैं तेईस दिन तक कोमा में रहने के बाद जब उन्हें होश आता है तो पता चलता है कि उनकी पूरी ज़िंदगी अब व्हील चेयर पर गुजरेगी डिसेबिलिटी के साथ अप्स एंड डाउन एंड चैलेंजेस को मैनेज करते हुए वो आज इंडिया की फ़र्स्ट व्हील चेयर यूजिंग मॉडल हैं एक्टिंग करती हैं और बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ में काम कर चुकी हैं इन्हीं सबके बीच में उन्होंने अपनी मदर को खो दिया और पापा की री मैरिज कराई है तो और इसमें डिसेबिलिटी रिलेटेड चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए उन्होंने ढूंढा अपना लाइफ पार्टनर बम्बुल पे आज मैं बात करने जा रही हूँ मोदी से और इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ के लव एंड डेटिंग एंड मैरिज के चैलेंज को ओवरकम किया और कैसे वो इस बार का वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रही हैं लेट्स गो एंड वेलकम विराली मोदी वेरी शॉर्ट नोटिस अभी फरवरी का महीना चल रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको होस्ट करने में क्योंकि ये जो स्टोरी है ना ये तो दुनिया को पता चलनी चाहिए और मैं चाहती हूँ की मेरे चैनल के थ्रू पता चले सो थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई रिक्वेस्ट वेलकम ऑन द शो

और किस तरीके से करेंगे तो ये कैसे क्या कैसे, किस तरीके से ये मैं आपकी स्टोरी में जानना चाहूंगी हाउ डिड यू फाइंड योर लव इन शतेज यस डेफिनेटली डेफिनेटली टेल me अबाउट इट कहाँ मिले कैसे मिले <laughs> और uh, क्या तरीका uh, आपने अपनाया उनको प्रपोज करने का या उन्होंने अपनाया आपको प्रपोज करने का टेल <laughs> me अबाउट इट आई very एक्साइटेड टू नो ओके सो क्षतेज आए हम लोग मिले बम्बल <laughs> पे एक डेटिंग ऐप है हम उस उसपे मिले एक्चुअली क्षितेज ने पहले राइट right स्वाइप किया था तो अगर राइट स्वाइप करते हो तो इट्स लाइक हाँ यू नो आई लाइक यू आई वॉन्ट टू टॉक टू यू वट एवर और मैंने एक हफ्ते तक उसको लटकाया था <laughs> मैंने मतलब क्यों इसीलिए बिकॉज एक ही प्रोफाइल पिक्चर था और उसमें सारे जो इंटरेस्ट लिखे हुए थे अबाउट मी में सारे मैच कर रहे थे सब कुछ सही था बट एक ही प्रोफाइल पिक्चर और वो भी साइड फेस तो ढंग से तो चेहरा ही नहीं दिख रहा है मुझे एंड मतलब डेटिंग ऐप पे तो सबसे पहली बात ये होती है लुक्स पे सब जाते हैं है ना इट्स वेरी सुपरफिशियल बट यही है सच्चाई तो आई वाज लाइक बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए पता नहीं हाँ. एक हफ्ते बाद आई वाज लाइक यार कर ही लेते हैं बात मतलब अगर कुछ नहीं तो एक दोस्त मिल जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ तो hmm. पहले शब्द से मतलब पहले हाय शितिज और हाय विरली तब से ये हमारी कहानी की हमने शादी कर ली मतलब दैट इज हाउ इट वॉज पहले दिन से ही ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी अनजान आदमी से बात कर रही हूँ या किसी पराई से मैं बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग टू समन जिसके साथ वेव लेंथ मैच हो रहा है जिसके साथ कंपेटेबिलिटी है केमिस्ट्री है कॉन्वर्सेशन डल ही नहीं हो रहा है आई थिंक पहले दिन पे हमने कुछ चार घंटे बात करी थी वो भी सिर्फ टेक्स्ट पे ऐप wow. पे हम मैसेज कर रहे थे और हमने बात करी फाइनली हमने डिसाइड किया आई थिंक टेन डेज लेटर कि हमें मिलना चाहिए hmm. हम मिल लेते हैं बट उससे पहले एक मतलब फनी सी बात है ये हम दोनों ना फॉर्मूला फन फॉर्मूला वन फैंस है वी लव वाचिंग फॉर्मूला वन तो रात को उसका रेस हो रहा था दिस इज लाइक फाइव डेज बिफोर वी मेट मैंने उसको वीडियो कॉल किया बम्बल पे और उसको मैसेज किया अगर तू सच्चा फॉर्मूला वन फैन है तो तू अभी भी रे, रेस देख रहा होगा तू और अगर तूने मेरा कॉल नहीं उठाया दैट मीन्स यू आर नॉट अ पक्का फॉर्मूला वन फैन हाँ? मैसेज किया वीडियो कॉल किया फनी थिंग ये है कि मैं ऑलरेडी मैं अकेली ड्रिंक कर रही थी आई वॉज लाइक वन टू बियर्स डाउन और उसे कॉल उठाया और हम बस बातें करने लगे फॉर्मूला वन के बारे में फिर बता फिर मतलब ऐसा लगा कि यार नहीं हमें मिलना चाहिए वी शुड मीट इच अदर लाइक वॉट इज हैपनिंग आर वी नॉट मीटिंग फाइनली मिले एंड दैट उस दिन से लाइक हाँ तू मेरा बॉयफ्रेंड मैं तेरी गर्लफ्रेंड <laughs> <laughs> मतलब आई कैंट डू द फ्रेंड्स एनी मोर वी आर डेटिंग नाउ एंड देन आई थिंक वन मंथ वन और टू मंथ के अंदर मैंने उसको प्रपोज किया मैंने एक्चुअली प्रपोज नहीं बोल सकते मैंने उसको धमकाया ऐसे बोल सकते हम लोग चालू था बैठे थे रेस देख रहे थे और मैं ऐसे वो पीछे बैठा था मैं आगे मैं ऐसे मुंबई घुमाया तेरे को बता रही हूँ तू मुझसे शादी करने वाला है देखो अभी बता रहे He's like, दो मिनट बाद भीगी बिल्ली की तरह से पीछे हूँ पक्का तू शादी करेगा ना पक्का ना तो ऐसे नहीं बोल रहा है ना नहीं पक्का 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 एंड देन वन मंथ लेटर आई मेट his मॉम तो so, उनकी मम्मी से मिली मैं और क्षितिज ने तभी बोल दिया था मम्मी को कि देखो आई एम डेटिंग दिस गर्ल ठीक है बट मैं बताना चाहता हूं कि आई वॉन्ट यू टू नो हर कोई रास्ते से पता नहीं चलना चाहिए यू शुड बी इनफॉर्म बट ये शादी के लिए बात मत छेड़ना डू नॉट टॉक अबाउट मैरिज मैं गई मैं उनकी मम्मी से मिली और हम लोग बस पांच मिनट के लिए ऐसे बैठे थे और मम्मी ने शादी का टॉपिक छेड़ दिया कि तुम लोग क्या ख्याल है तुम लोग का आ, में तो पता है शादी करनी है बट कैसे बोले अभी मतलब पहली बार मिल रहे कैसे बोल सकते है मम्मी सोचा तो है She's like हाँ ठीक है सो so देन uh, गुड़ी पाड़वा से पहले शादी कर लो दिस अक्टूबर नो अक्टूबर ऑगस्ट सितंबर ऑगस्ट की बात है ही है कुड़ी पाड़वा इज है इतना जल्दी शादी इतना जल्दी शादी तो नहीं करनी है तो हमने बोला कि नहीं एक साल रुक के हम शादी कर लेंगे बट बिकॉज मेरे पेरेंट्स है जो यूएस में रहते हैं मेरे माम डैड से मैंने बात करी बताया कि ये लड़का है देखो मिलो कैसा लगा लाइक डेज like, के अंदर शादी होनी चाहिए तुम लोग की अब लाइक like, पहले रोका की तो बात करो पहले एंगेजमेंट की तो बात करो फिर आप लोग शादी का टॉपिक छेड़ो ना देखिये क्या हो रहा है फाइनली वो लोग आए नवंबर ट्वेंटी

तब तक हमको भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा यू नो टू फिगर थिंग्स आउट शादी अ बिग डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है hmm. कि एक दूसरे के फाइनेंस मैनेज करना घर मैनेज करना एक दूसरे को झेलना ऊपर से ये सबसे बड़ी बात है झेलना कैसे हम ये सब करेंगे वो सब पहले हमें भी थोड़ा समझने दो फाइनली मॉम और डैड मान गए फाइनली उसकी मोम और मेरे मोम मेरे मोम डैड मान गए ये बात एंड वी गॉट मैरिड लास्ट इन अक्टूबर अभी फोर मंथ होगा फेब्री में hmm. तो इट इज इट इज अ वेरी क्यूट लव स्टोरी बहुत फनी सी भी लव स्टोरी है क्योंकि इसमें धमकिया बहुत है बहुत <laughs> तो सारी धमकिया है इसमें ना बोलने का तो कोई चांस ही नहीं था मतलब अगर बोलता तो हां उसको पता है क्या होता है देयर वाज जस्ट देयर वाज नो चांस इट वाज जस्ट मेंट टू बी मतलब ये होना ही था एंड इट परफेक्टली बोलते ना इट Fell into place एक परफेक्टली अलाइन हो गया सब तो hmm. hmm. so okay. ये है हमारी छोटी सी प्यारी सी कहानी वेरी नाइस nice. बहुत क्यूट है And... अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो प्लीज कमेंट के अंदर हार्ट शेप का इमोजी डाल दीजिएगा और कुछ कमेंट कर दीजिएगा विराली और क्षितिज के लिए और मेरे लिए भी। और मैं एक चीज जानना चाहूंगी लाइक क्योंकि हम आ, ये बात कर रहे हैं डिसेबिलिटी के अराउंड सो so, आपके क्या क्या कुछ थॉट्स में था डिसेबिलिटी को लेके कोई ले को चीज या क्षितिज हाँ। के कोई मन में था इसको लेके या आपके परिवार में किसी को था नहीं एक्चुअली और ये सरप्राइजिंग है देखो वैलेंटाइंस डे है लव का मैना है तो एक बात मैं तो बोलूंगी यहाँ पे बिफोर शितिज हाँ मैं गई हूँ डेट्स पे मैं लड़कों से मिली हूँ मेरे रिलेशनशिप्स भी थे वो सब सब जानते हैं और सबके होते हैं नॉर्मल है ये हमेशा हर कोई रिलेशनशिप में या हर कोई डेट में पहले ना प्रॉब्लम डिसेबिलिटी को लेकर कभी भी नहीं था कभी भी नहीं हुआ करता था बिकॉज़ mm सबको -hmm. लगता था यार बंदी तो बहुत चिल है mm -hmm. मतलब हम उनके माइंड में जो परसेप्शन होता था डिसेबिलिटी mm -hmm. को लेकर आई वाज चैलेंजिंग दोस परसेप्शंस कि नॉट एवरी पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इज दैट स्टीरियोटाइपिकल पर्सन जो आप सोचते हो या जो मूवीज में दिखाते हैं हम ऐसे नहीं है तो तब के टाइम पे हाँ एवरी वन बहुत चिल थे बहुत कूल cool था फिर बाद में ये जब मॉम और डैड को मिलाने की बात आती थी तब डिसेबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम आता था कि मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे मेरे मम्मी पापा मतलब उनके मम्मी पापा एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे क्या है वो जब क्षितिज के साथ मैंने बात छेड़ी शादी की तभी मैंने उसको क्लियरली बेस्ट थिंग हमारा कम्युनिकेशन जो भी है हम बात कर सकते हैं तो मैंने उसको तभी ही बोला था तभी ही पूछा था कि तेरे फैमिली में मेरे डिसेबिलिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम होगा और जो लोग नहीं शायद जानते होंगे आ, मेरे हस्बैंड है उनको डिसेबिलिटी नहीं है सरप्राइजिंगली जब मैं उन उसकी मम्मी से मिली मम्मी ने मुझे एक क्वेश्चन नहीं पूछा था मेरे डिसेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था शी वॉज हैप्पी शी वॉज हैप्पी उसके अः उसका उसका जो भाई है छोटा भाई है और उसकी बीवी सब एवरी वन पूरा फैमिली सब एक्सेप्टिंग किसी ने एक क्वेश्चन नहीं किया है मुझे कि तू क्या ही कर लेती है तू डिसबल है तू क्या ही कर पाएगी तू क्या मेरा बेटा का मेरे बेटे का ख्याल रखेगी कोई ऐसा सवाल नहीं एंड तब मुझे ऐसा लगा कि वाओ कोई मुझे मुझे एक्सेप्ट कर रहा है मी ये नहीं देख रहा है कि मैं चल नहीं सकती मतलब हाँ मैं इंडिपेंडेंट हूं मैं रहती मैं पहले भी रहती थी अकेली जब क्षितिज नहीं था मेरे लाइफ में तब मैं अकेली ही रहती थी घर का सारा काम मैं करती थी बट लोगों को ये नहीं दिखता था लोगों को दिखता क्या था व्हील चेयर डिसेबल्ड बहू ये सब दिखता था और ये उल्टा

एंड uh, एक और भी चीज़ है कि कई बार ना कुछ चीजें हम मैनिफेस्ट करते हैं तो उसी तरीके से हमें लाइफ में मिलती है कि uh, जैसे आपने अगर मैनिफेस्ट किया है कि हम uh, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसकी फैमिली भी ओपन थॉट्स के साथ में और कंप्लीटली जैसे हम हैं वैसे ही हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें सो so, आपने भी उनको किया और उन्होंने भी आपको किया ये एक uh, मैनिफेस्टेशन के बिना शायद नहीं हो पाता पाताल नहीं, नहीं, नहीं होता ये और आपने ये मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करी तो एक बात मैं बताती हूँ क्षित जानता है अभी आप और जो भी लोग देखेंगे ये भी जानेंगे क्षितिज के मिलने से पहले आई थिंक कुछ छह या सात महीने पहले मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में बहुत मानती हूँ बहुत ज्यादा मानती हूँ मैं और जो भी मेरे गोल्स है या जो भी मेरी ख्वाहिशे हैं तो मैं वो उसको लिखती हूँ कि जैसे मुझे वो मिल चुका है तो मैंने exactly वो लिखा था कि मुझे कैसी फैमिली चाहिए मुझे कैसा हस्बैंड चाहिए वो कैसा होना चाहिए मैंने लिखा हुआ था और जब हमारी शादी हो गई तब मैंने क्षितिज को वो पेपर दिखाया था कि ये देख मैंने क्या लिखा है डेट देख टू डेट टेक वो भी मतलब एकदम शॉक हो गया था कि वाह hmm. मैं बहुत मानती हूँ इसमें और ये एक्चुअली वर्क करता है मैंने मेरे, मेरे लाइफ में मैंने देखा है नॉट इवन अबाउट क्षितिज बट मेनी अदर इंस्टेंसेस रिगार्डिंग टू माय करियर रिगार्डिंग टू इंडिपेंडेंसी ये सब मैं लिख चुकी हूँ और वो सब सच हुआ है कि जो मैनिफेस्टेशन काफिकट रोल आज के कुछ सालों पहले जब मैं घर से निकली थी वॉज थर्टी um, मैं चाहती थी कि मैं अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करूँ सो उस समय uh, कोई ऐसा पर्सन नहीं था कि जो ये समझ सके कि मैं क्या चाहती हूँ लेकिन यही चीजें मैंने भी मैनिफेस्ट करी थी आई ऑल्सो टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ आई मूव माई पी एच डी आई द वर्ल्ड एंड आई डिड ऑल सो डि एक मैनिफेस्टेशन यही था कि मुझे ये सब करना है खुद से और मैं भी लिखती थी जैसे आप बोल रहे हो सो so, मैंने उस समय बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इ गाय और ये सब चीजें ना so, तो उससे थोड़ा कहीं तो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम भी कर सकते हैं ये सब चीजें सो so, I guess manifestation plays a very very significant role. Uh, moving to the next uh, discussion, Virali and I'm glad that Valentine's Day आपके Valentine's Day के क्षितिज uh, को सरप्राइज करने के क्या प्लान है क्षितिज को सरप्राइज क्या मैं खुद ही हूँ उसके लिए गिफ्ट <laughs> उसको कोई सरप्राइज की जरूरत नहीं है <laughs> उसको बोल के रखा है पहले, dating, मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं मैं ये नहीं बोलूंगी कि हर दिन तू मुझे फ्लावर्स लाके दे नहीं बट वैलेंटाइंस डे साल में एक बार मुझे एक बुके चाहिए रोजेस का या डिफरेंट फ्लावर्स ड मैटर बट मुझे एक बुक चाहिए हर वैलेंटाइंस डे पे तो ये फिक्स रहा है ठीक तो ये साल अगर उसने नहीं किया तो मैं बताऊंगी आपको मतलब आपको क्या मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी बट बत मैं बताऊंगी ज़रूर

इट्स बेटर आई नो कि चलो एक बुके मिलने वाला है मैं उसी में ही खुश हूँ उसमें आपसे ब्रीफली ऑडियंस को अपनी डिसबिलिटी के बारे में अगर आप बताना चाहें तो प्लीज वो भी बताइए क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा है कि आपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस देखे हैं तीन बार सो so, हाँ. क्या है वो मेरे को फिर से बताइए इनफैक्ट ऑडियंस को बताइए जी 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 जरूर uh, मैं इतना बोल सकती हूँ कि पक्का करण जौहर ने मेरी लाइफ uh, मेरी जो स्टोरी है मेरे लाइफ ना उन्होंने ही लिखी है बिकॉज ये पूरा बॉलीवुड स्टोरी है बट हाँ मैं पहले से डिसबल नहीं थी uh, मैं जब फोर्टीन uh, इयर्स की थी मैं एक्चुअली यूएस में uh, मेरी परवरिश हुई है तो जब मैं फोर्टीन की थी मैं मुंबई आई और वही मॉनसून के टाइम पे जब मैं वापस गई अमेरिका तब वही मलेरिया के सिम्टम्स बुखार ठंडी लगना ये सब हो रहा था डॉक्टर्स उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे थे नेगेटिव आ रहे थे फाइनली वो लोग ने एमआरआई किया उन लोग को लगा कि कुछ बिहाइंड द नेक कुछ तो शेडो है स्पाइनल टैप किया उसके बाद आई वेंट इन टू रेस्पटरी गई और कार्डिया का रेस्ट मेरा दिल टोटली धड़कना बंद हो गया था आई वॉज डिकलेट डेड फॉर सेवन मिनट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड उन्होंने इलेक्ट्रिक शॉक्स दिया मैं वापस आ गई लेकिन नेक्स्ट डे मैं कोमा में चली गई थी और कोमा के टाइम मैं दो बार मर के वापस आई हूँ डॉक्टर ने दो बार वापस से डिक्लेयर डेड कर दिया था एक बार तो ब्लड इतना लॉस हो गया था कि हीमोग्लोबिन बिलो 4 चला गया दूसरी बार बॉडी टेंपरेचर बिलो 90 डिग्री फारेनहाइट हो गया था जब हमारा 98.6 होता है नॉर्मल वापस से डिक्लेयर डेड और एकदम चमत्कार की बात है कि ऑटोमेटिकली ही सब कुछ नॉर्मलाइज ठीक हो गया और मैं 23 दिन तक कोमा में रही थी और डॉक्टर्स ने तो गिव अप ही कर दिया था बोल दिया था कि विराली नहीं बचने वाली है इसका कुछ नहीं हो सकता वेंटिलेटर पे थी मैं मेरी जो बायोलॉजिकल मॉम थी उनका फेथ ना बहुत स्ट्रांग था मतलब कोई तोड़ ही नहीं सकता वैसा वाला तो मॉम ने डॉक्टर्स को प्लीड किया बैग किया कि नहीं विराली की फिफ्टीन बर्थडे आ रही है ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ सेप्टेम्बर को और मुझे सेलिब्रेट करनी है वो एक माँ की आखिरी ख्वाहिश है डॉक्टर्स ने कैसे भी तो परमिशन दे दिया मम्मी को सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया और थ्री ओ फाइव पी एम मतलब थ्री ओ फाइव पी एम इज माई टाइम ऑफ बर्थ जब मेरा जन्म हुआ था पापा ने ले, पापा ने ने ले हाथ पकड़ा और जैसे मैंने केक काटा मैंने मेरी आंखें खोल दी और टाइम क्लॉक पे थ्री ओ फाइव पी एम बज रहा था तो वो बोलते ना मतलब एकदम तो पुनर्जन्म टाइप वाला फील है ये बिकॉज तीन बार मर के वापस आई बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और बर्थडे के दिन जिस टाइम पे जन्म हुआ उस टाइम पे मैं कोमा से बाहर आ गई wow. और हो रहे हैं एक्चुअली ना ये ऑल दो मैंने आपकी स्टोरी पहली बार नहीं सुनी है मैंने पहले भी आपको सुना है बट फिर भी मुझे लग रहा है कि जब आप खुद नरेट कर रहे हैं ना मेरे को घूस हो रहे हैं उस चीज के ऊपर माई गॉड इट्स इट्स क्रेजी बिकॉज आई रिमेम्बर मैं जब कुमा से बाहर आई मुझे ये नहीं पता था कि मुझे नेकडाउन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था मेरी situation के बारे में और जब मेरी मॉम ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था आई एम लाइक हट मजाक कर रही है ये तो मतलब पूरी फिल्मी कहानी है ये तो हो ही नहीं सकता हाँ। बाद में डॉक्टर से सुना मेरे पापा ने बताया बाकी फैमिली मेंबर्स ने बताया I'm like, okay, ये मेरे साथ एक्चुअली ऐसा कुछ हुआ है वाओ वाओ एक्चुअली बॉलीवुड स्टोरी आपके ऊपर ना कोई कभी ऐसा हो सकता है कि शाहरुख खान मूवी करे आपके ऊपर आप रिसेंटली शाहरुख खान से मिलके आए हिंडई के इवेंट पे हाँ। <laughs> हो सकता है उसको लगे कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा बॉलीवुड uh, uh, के अंदर फिक्स होने वाली स्टोरी है सो हु नोस किसी दिन विराली की स्टोरी आने वाली है <laughs>

इट्स ओके okay, वो सफर नहीं कर रही है अभी वो जहाँ पे भी है बस खुश रहे वो मेरी मेरी इच्छा है बस तो पापा और मॉम का लव मैरिज था तो ऑब्वियसली पापा जब मम्मी का फ्यूनरल था मैंने उसी दिन बोलते ना दिल पे पत्थर रख के मैंने ऑब्जेक्टिवली पापा को बोला कि आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए और रीजन ये था कि मैं इंडिया में रहती हूँ पापा अमेरिका में अकेले कोई भाई बहन नहीं है पागल हो जाते अगर मतलब शांति में रहते अकेले रहते आई थिंक वो बाहर निकल पाते डिप्रेशन में चले जाते पापा ने तभी मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करनी है। मैंने बोला ठीक है मैं कभी नहीं बोलूंगी आपको वापस से आपको जब भी लगे कि आपको करनी है आप मुझे बोल दो बस तो कुछ सात आठ महीने के बाद पापा ने बोला कि बेटा मुझे लगता है कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए मैं उस दिन जो खुश हुई हूँ मतलब पापा का फोन रखा उनको बोला आपके अच्छे अच्छे फोटोज मुझे भेजो और शादी डॉट कॉम और जीवन साथी डॉट कॉम पे जाके उनका प्रोफाइल मैंने बनाया है अच्छा और और साथ में मतलब आई वॉज चूजिंग माई फादर्स ब्राइड्स हाँ okay. मैं चूज कर रही थी नहीं पापा ये अच्छी नहीं ये इनके प्रोफाइल अच्छी नहीं लगी मुझे ये नहीं पापा वो नहीं फाइनली एक आ, औरत मिले जो अभी मेरी स्टेप मतलब है जो शी इज अमेजिंग तब पापा से इंट्रोडक्शन करवाया मेरे से बात करी मतलब दो तीन घंटे मेरे से बात करी और तभी पापा को मैंने बोल दिया आप कर लो आंख बंद करके कर लो शादी इनसे मतलब इतना प्यारा सा रिश्ता है ना मतलब भगवान ने हाँ मेरी मम्मी तो चली गई है लेकिन मुझे एक ऐसी माँ वापस से दी जो मेरी मम्मी के बराबर है साथ में ऐसी सास दी है मुझे hmm. जो मेरी मम्मी के बराबर है तो hmm. मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरी मॉम है नहीं hmm. दोनों ने ऐसा बोलते ना दे हैव टेकन अप दट रिस्पॉन्सिबिलिटी केयर ऑफ मी वो फर्ज निभाया है दोनों ने तो ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरी मॉम नहीं है है भगवान ने एक ले लिए लेकिन दो दो मुझे वापस दे दी तो बहुत <laughs> so so अच्छा लग रहा है सुन के आपको ना सो अभी आपके पेरेंट्स पापा और मम्मी यूएस में रहते हैं हाँ मेरे फादर मेरी मम्मी और मेरी दो छोटी बहन है अच्छा ओके okay. हाँ। स्टेप सिस्टर्स हाँ, वो वहां पे रहते हैं यूएस में जी जी so, आप जाने के प्लान कर रहे हो यूएस अभी तो फिलहाल नहीं राइट right नाउ मैं खुद फोकस्ड अपने करियर पे बट हाँ. uh, पापा और वो लोग आने वाले हैं हाँ. क्योंकि हमारी जब शादी हुई थी हमने सिर्फ कॉर्ट मैरिज किया था मम्मी पापा नहीं थे यहाँ पे उनको वीडियो कॉल पे लेके हमने कोर्ट मैरिज कर ली थी हाँ. और अब जाके रिसेप्शन होने वाला है जुलाई में तब सारी फैमिली आने वाली है और तब बड़ा सा जश्न होने वाला है तो है। या आई I मीन mean, पहली बार मैं फेस टू फेस अपनी सब सिस्टर्स को मिलूंगी फेस टू फेस हमेशा वीडियो कॉल पे तो बातें होती रहती है बट पहली बार उनको फेस टू फेस में मिलने वाली हूँ मेरे लिए वो थोड़ा सा एक बड़ी बहन वाला फीलिंग आ रहा है अंदर जो कभी जो कभी नहीं था वो अभी वो जाग रहा है वो फीलिंग अच्छा ओके <laughs> और आपका अभी जो आपने बोला आप करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो सो व्हाट व्हाट काइंड ऑफ यू नो करियर यू यू आर आर इन लाइक मॉडल यू आर एन एक्टिविस्ट आपके बहुत सारे हैं तो थोड़ा मुझे के बारे में बताएं सो so चेंज पे आपकी जो पिटिशन थी उसमें मैंने भी अपना सपोर्ट दिया था कि ट्रेन एक्सेसिबल होनी चाहिए और uh, सारी सुविधाएं होनी चाहिए हम सबके लिए भी एंड आई एम ग्लैड दैट आपने वो पिटिशन करी और uh, उसको उसके बारे में लोगों ने सुना भी तो आप मुझे बताएंगे थोड़ा सा कि एक्टिविज्म रोल कितना सिग्निफिकेंट होता है करने से फायदे क्या होते हैं उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे देखो मैं हमेशा यही मानती हूं कि अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो पहला कदम आपको लेना पड़ेगा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसे ही आपने हवा में डाल दी मन की बात और गवर्नमेंट ने सुन ली वैसे नहीं होने वाला गवर्नमेंट को बहुत सारे एजेंडाज रहते हैं तो अगर हम हम भी सिटीजन्स है हम भी नागरिक है तो हमें भी हमारा आवाज उठाना चाहिए क्योंकि उससे, उसी के थ्रू ही चेंज आता है हम अगर चुप रहेंगे और हम यही सोचेंगे कि नो वी वांट दिस टू चेंज वी वांट दैट टू चेंज इट विल नॉट चेंज आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी और जब तक प्रॉब्लम देखो अभी माई ट्रेन टू के बारे में ना मेरा मलास्टेशन हुआ था जब मेरे को ट्रेन में जाना था बिकॉज एक्सेसिबल नहीं थी तीन बार हुआ था अभी आप ये सोचो मैंने अपनी आवाज उठाई लेकिन ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो डिसेबल्ड है या जो जिनको चलने में दिक्कत होती है उनको पॉटर का हेल्प लगता है उनके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा पर किसी ने कुछ बोला ही नहीं है क्योंकि सबको ऐसा ही लगता है कि मेरी बात कौन सुनेगा कौन सुनेगा हम बात करेंगे पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा तब जाके गवर्नमेंट को कुछ करना ही पड़ेगा बिकॉज ये डेमोक्रेसी में हम जी रहे सो वी वी कैन नॉट जस्ट बी साइलेंट एंड एक्सपेक्ट थिंग्स टू चेंज तो एक्टिविज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई फील हम सबके अंदर एक एक्टिविस्ट है छुपा हुआ बस उनको बाहर निकालने की जरूरत है देर इज पावर एंड नंबर्स सबको एक साथ आना चाहिए हमें कट्ठा मिलके वो लड़ाई करेंगे ना तब जाके कुछ चेंज आएगा हम ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हुँ. तो हर किसी में ये एक्टिविस्ट छुपा हुआ है उनको बस बाहर निकालने की जरूरत है सो so, कहते हैं ना कि uh, आप अपने सीन निकालो जब जरूरत पड़े यस yes. हाँ दैट्स राइट ओके सो दिस इज योर वन सेगमेंट ऑफ योर करियर एंड देन यू आर अ मॉडल What made you become a model? Shahrukh Khan made me become a model. <laughs> Honestly, Shahrukh Khan made me become a model. Actually, I would say actress more than a model. Uh, और ये जो एक सपना है ना, it goes all the way back to कुछ कुछ होता है. Because जब कुछ कुछ होता है देखा, मतलब मुझे बताओ यार, मैं ऐसी लड़की थी कि काजोल को देखके काश मैं वहां होती काश इट वॉज मी इनस्टेड ऑफ काजोल और तब मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी इसमें जाना है मुझे भी मॉडलिंग करना है मुझे भी एक्ट्रेस बनना है बट डिसेबिलिटी के बाद ऐसा लगा कौन लेगा व्हील पे एक मॉडल मैं कैसे जाऊंगी कैसे करूंगी क्या नहीं क्या नहीं तब मेरे सामने एक मिस व्हील इंडिया पैजेंट 2014 उसका अपॉर्चुनिटी आया और मम्मी को मेरी बायोलॉजिकल मॉम उनको मैंने यही बोला था कि मुझे नहीं करना है क्या लोग सोचेंगे क्या बोलेंगे पता नहीं वो हमारे एक इंडियन माइंडसेट है ना क्या लोग क्या कहेंगे लोग क्या सोचेंगे मेरी मम्मी ने मुझे सिर्फ इतना ही बोला वो लोग तेरा पेट भर रहे नहीं वो लोग तुझे पैसे दे रहे नहीं वो लोग तुझे कुछ टाइप का एंजॉयमेंट दे रहे नहीं पब्लिक की क्यों फिक्र करती है जाना आगे बढ़ तुझे करना है ना तू करना दूसरे लोगों के बारे में तू क्यों क्यों सोचती है क्यों वरीड है इतना और थोड़ी सी हिम्मत दी मुझे तब गई मैं एंड आई वांट सेकंड प्लेस मिस फ्यूचर इंडिया पैजेंट में ऑडिशंस पे भी गई थी लेकिन प्रॉब्लम यही था कि नो, लुक्स तो अच्छे है टैलेंट भी है सब कुछ है तब चल नहीं सकते ना और तब जाके ना मेरे दिमाग में वो जो गुस्सा आता है ना वो ऐसा वाला आया व्हील चेयर पे है तो क्या हो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है नैरेटिव चेंज होना चाहिए पर ठीक है है अभी फिलहाल मेरा टाइम नहीं थोड़ा इसको बैक बर्नर पे रखते खुद पे काम करते थोड़ा वजन कम वजन तभी मैं थोड़ी सी मोटी थी थोड़ा वजन कम कर लेती हूँ मैं थोड़ा स्ट्रोंग हो जाती हूँ थोड़े अपने वर्ड्स वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना है ये सब मैं प्रैक्टिस करती हूँ कुछ हो जाए और मेरा फर्स्ट बिग ब्रेक मुझे मिला सलमान खान से 2018 मैंने बीइंग ह्यूमन के लिए मॉडलिंग किया वो ऑडिशन किया था मैंने और मैं मतलब मिल गया था मुझे और बीइंग ह्यूमन के लिए मॉडलिंग किया हॉर्डिंग पे मेरा फोटो लगा था मतलब इट अ अल मोमेंट कि ये जब दस साल की मैं थी तभी मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है और अब जाके सत्ताईस साल की उम्र में ये मैं कर रही तो, हूँ पावर ऑफ हो सकता है हो सकता है सलमान खान के साथ मेरा फर्स्ट बिग ब्रेक मिला फिर आई वेंट ऑन टू तो डू रैम्प शोस शो स्टॉपर बनी थी दो बार सॉरी तीन बार बनी थी फिर आ, नाउ आई एम इंडिया फर्स्ट व्हील चेयर यूजिंग मॉडल लॉन्जरे भी करती हूँ मेकअप uh, के लिए मतलब बहुत सारे ब्रांड्स के लिए अभी टीवी सीज़ भी करने लगी हूँ और मेरा लास्ट जो प्रोजेक्ट था वो शाहरुख खान के साथ ही था तो जब मैं उनसे मिली थी तभी मैंने उनको बोला था कि कुछ कुछ होता है कि वजह से मैं यहाँ पे हूँ आपको hmm. मैं बता रही हूँ तो इट वॉज अ वेरी मोमेंट फॉर मी की ये मेरा पूरा सपना जो था इट केम फुल सर्कल मुझे हाँ. चाहिए था जिनके वजह से मैं इंस्पायर हुई थी it came full circle. Finally, उनके साथ मैंने काम किया हुँ, तो सरियल मोमेंट वेरी सरियल मोमेंट तो अब क्या आगे क्या है आगे मुझे रणवीर सिंह के साथ काम करना है नहीं <laughs> हाँ. नहीं, आगे जाके मोटिवेशनल टॉक्स तो है ही है उस पर तो आगे बढ़ना ही है बिकॉज अवेयरनेस फैलनी चाहिए नॉट जस्ट अबाउट माय स्टोरी बट अबाउट द प्रेसिवरेंस ऑफ द माइंड डिटर्मिनेशन एंड अबाउट डिसेबिलिटी हम डिसेबल्ड है तो क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं हम डिसेबल्ड है नॉर्मल सी चीज है डिसेबल्ड मतलब डिसेबल्ड इज नॉट एबनॉर्मल तो नॉर्मल सी चीज है उसको अपना लो बट बाकी मुझे हाँ टीवी सीरीज मॉडलिंग में आगे तो बढ़ना है रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है हमें ऐसे फिल्म्स नहीं चाहिए जहाँ पे कोई बंदा या बंदी व्हील चेयर पे उसको बिचारा बेचारी वैसा नहीं चाहिए क्योंकि हम हाँ, बेचारा बेचारी नहीं है नहीं है हम लोग बस पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन अभी इन्फ्लुएंसर भी थोड़ा सा बन रही हूं तो वो भी नहीं, नहीं। मैं वही फॉलो करती हूँ हाँ, तो तो हाँ। um, आप अभी के साथ पर -पर फेस्ट जाके हो वो सब मैं फॉलो करती हूँ आई थिंक बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर आप वहाँ पे वो सर्टिफाइड इन्फ्लुएंसर हैं

For me, that is independence. Hmm. किसी का uh, रोक टोक नहीं है किसी ने बांध के नहीं रखा है मुझे अभी मुझे किधर भी जाना है इतनी हूँ कि मैं किधर भी जा सकती कुछ hmm. साल पहले मैं इतनी इंडिपेंडेंट नहीं थी जब तक मेरी बायोलॉजिकल मॉम थी तब तक मैं नहीं थी इंडिपेंडेंट hmm. उनके जाने के बाद मैंने सीखा सब कैसे इंडिपेंडेंट जिंदगी जीनी है तुम बोल सकते है लिटरली वॉट फाइव अगो पांच साल पहले ही ये सब सीखा है मतलब अनीता जी आप मानते नहीं हो आप मानोगे नहीं ये बात मुझे एक चेक लिखना नहीं आता था एक चेक कैसे लिखते हैं मुझे वो तक नहीं आता था जब मम्मी के साथ ये सब हुआ मैं जाके बैंकर के साथ तीन घंटा बैठी हूँ सब कुछ सीखी नेट बैंकिंग के बारे में सब कुछ मतलब वो एक विल होना चाहिए तब जाके आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो आपने ऐसे ही सोच लिया ना कि बस इंडिपेंडेंट होना है बट आपको उस पर कोई काम नहीं करना है आप कुछ नहीं कर पाओगे वो एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए माइंड में कि नहीं ये ठान के रख लो नहीं ये करना है तो बस करना है कैसे होगा कहा से होगा ये सब जानने की जरूरत नहीं है वो अभी ना आपको उस पर फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है जब आप डिटर्मिंड हो ना वो कैसे क्यों कहा वो सब अपने आप फॉलो हो जाता है hmm. वो सब अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है आपको रास्ते मिल जाते हैं hmm. ओके okay. तो बहुत सारे जब uh, लोगों से मैं इंटरक्ट करती हूँ उनको वरी रहता है फ्यूचर का और उनको uh, ये रहता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ तो so, कई बार ना मैं uh, सोचती हूँ कि लोग या तो फ्यूचर में जीते हैं या फिर पास्ट में जीते हैं वो प्रेजेंट में नहीं जीते कि आज जो है वो हम कैसे जी सकते हैं फ्यूचर को फ्यूचर के लिए छोड़ दो पास्ट हो गया जो होना था लेकिन exactly. हाँ बहुत कम लोग होते हैं जो इन सब चीजों से निकल पाते हैं कि और वरी जो है वो छोड़ पाते हैं um, ये एक आपके इस context, आपके जो ये वीडियो में आपने बोली है, एक और होता है जो हम शो करते हैं, हमारे हर डे टू डे एक्टिविटी के अंदर वो आपने शो किया और आप Uh, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी रणवीर सिंह के साथ जो आप करना चाहते हैं जो भी मॉडलिंग असाइनमेंट मूवी वो बहुत जल्दी पूरा हो अच्छा एक और चीज मुझे बताइए कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी विद डिसेबिलिटीज को अबाउट लव एंड मैरिज डेटिंग एंड अ पार्टनर अगर आपको अगर वो चाह है ना वो इच्छा है को कर तो जैसे आपने अनिता जी बोला ना हम लोग आधर पास्ट में जीते हैं या फिर हम लोग फ्यूचर में जीते हैं अब वो दोनों फेजेस में जियोगे ना आज आपका आज वो निकल जाएगा फिर आप यही सोचेंगे यार मैंने कल क्या किया था कल कुछ नहीं किया था कल बस मैं सोच रहा था सोच रही थी मैं मेरी लाइफ तो ऐसी ही चली गई no, नो यार लाइफ इज सो ब्यूटिफुल ना ये जो पल है ये वापस नहीं आते इसको लो अच्छे से और जो लव प्यार ऑल ऑफ़ दिस ना पहले खुद को अपनाओ खुद को जब तक नहीं एक्सेप्ट करोगे खुद को जब तक ये नहीं समझोगे कि आई एम डूइंग द बेस्ट दैट आई कैन विद वॉट आई हैव तब तक तो ये नहीं समझोगे ना और ये नहीं एक्सेप्ट करोगे तब ये उम्मीद मत रखो कि बाकी की पब्लिक आपको एक्सेप्ट करेगी आपको प्यार करेगी आप खुद से ही नहीं करते खुद को करो ये जो हुआ है आपके साथ आपके शरीर को हुआ है आपके माइंड को तो नहीं हुआ है ना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वाई बायट मी? मी मुझे कौन चुनेगा hmm. हाई आप खुद को ही नहीं चुन चुन रहे हो बाकी और दुनिया क्या चुनेगी आपको लर्न टू लव योर सेल्फ खुद में ही महसूस हो मतलब खुद में ही वो वर्ड वर्ड uh, खुद में ही बिकम सो होल इन एंड जस्ट लव हु यू आर कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई आपको प्यार करता है या नहीं करता है फर्क ही नहीं पड़ेगा जब वो पॉइंट पे आप पहुंचोगे ना आपका प्यार सामने से आएगा जैसे ये मेरा पति सामने से आया नहीं बट ऑनेस्टली लर्न टू लव योर सेल्फ लर्न टू बी होल इन योर सेल्फ एक्सपेक्ट मत करो दुनिया से कुछ भी खुद से एक्सपेक्ट करो खुद से उम्मीद रखो डोंट बाहर की दुनिया ना नहीं खुद से आपकी दुनिया इधर ही है इधर ही है दिल में हाँ. थैंक यू विराली बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड uh, मैं आपको फिर से थैंक्स इसलिए और भी बोलना चाहूंगी कि मैं पहले डर रही थी कि मैं कैसे आपको अप्रोच करूँ बट आई एम ग्लैड कि हम बात कर पाए हैं और uh, uh, ये जो आगे की जिंदगी है मेरी प्रेयर्स है भगवान से कि आपको एक बहुत अच्छी खुश खुशनुमा और uh, प्यार मोहब्बत वाली जिंदगी आगे आप दोनों की चलती चले और आप एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करें खूब वो फॉर्मूला वन देखें कॉफी पिए डेट्स पे जाएं और एंजॉय करें अपनी लाइफ आई एम सो आई विश फॉर यू थैंक यू एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू एंड टू एवरीवन हु इज वाचिंग थैंक यू सो मच अनीता जी थैंक यू